रमेश कुमार है। मेरे पास मोबाइल है जो सैमसंग C9 गैलेक्सी प्रो है। मैंने करीब करीब 3 साल पहले खरीदा था ये फ़ोन, और ये मेरे एक फ्रेंड ने बोला था मेरे को कि सैमसंग अच्छा है लेकिन कभी कभार हैंग ज़्यादा होता है, लेकिन रैम अच्छा हो तो वो हैंग नहीं होता, इसलिए ये फ़ोन डिसाइड किया। इससे पहले मेरे पास था जियोनी का फ़ोन, लेकिन वो बेटर नहीं था, बहुत मतलब ख़राबी था। सैमसंग ये था कि पहले बचपन से ही इसका नाम सुना था, जब भी छोटे थे या कॉलेज टाइम में थे उस टाइम पे देखा था कि सैमसंग, सभी लोग सैमसंग ही रखे थे, तो नोकिया और सैमसंग ही चलता था उस टाइम पे, तो इसलिए सैमसंग को ही चूज किया। उस टाइम पे क्या था कि ओप्पो वगैरह आ चुके थे, लेकिन माइंड में ये था कि बस लेना सैमसंग ही है। फिर देखने लगे तो अच्छा लगा, स्लिम भी लगा और रैम वगैरह भी अच्छा था, जो मतलब सोच रहा था वैसे देखने में लुक भी लगा, इसलिए यही लेने का इरादा किया। सबसे ज़्यादा तो मैं रैम की तरफ ही ध्यान दे रहा था, फिर दूसरा होता है कैमरा क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर देखते हैं कि चार्जिंग इसका मतलब बैटरी कितना है, बैकअप कितना है, वो सब चीज़ें देख के मेरे को इसी का अच्छा लगा। मोस्टली यूज ही रहता है बैटरी, तो इसको दिन में 2 बार चार्ज करना ही पड़ता है। फ़ोन पे जैसे गाना सुनना या नेट वगैरह चलाना, इसी में ज़्यादा वो रहता है। ये मैंने 38,000 में लिया था, बस माइंड में जो घूम रहा होता है उसी की तरफ ध्यान जाता है। कभी कभार हैंग हो जाता है, और हिट तो कभी कभार यूज करते हैं लेकिन कवर की वजह से पता नहीं चल पाता मोस्टली, लेकिन जब कभी लगाते हैं कान से ऐसे टच करते हैं पता चल जाता है कि गर्म हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। नहीं, वो इतनी ज़्यादा हीटिंग की समस्या नहीं है। बैटरी का परफॉर्मेंस जब 2 साल लिया था उस टाइम तो मतलब एक ही बार चार्ज करने में काम चल जाता था, अभी 2-3 बार चार्ज करना पड़ता है। तब करीब करीब ये मान लीजिए हम सुबह से यूज करते थे तो 10 घंटे आराम से निकल जाता था, फिर वापस से चार्ज करना पड़ता है, अगर यूज करें तो, बिना यूज के तो सारा दिन निकल जाएगा। इसमें डिस्प्ले 6.0 इंच का है और इसका जो रिसोल्यूशन है 1080x90 इसका हो गया, और गोरिल्ला ग्लास है इसके अंदर। गोरिल्ला ग्लास से क्या कि जो स्क्रैच वगैरह कम पड़ते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा देखने में बस अच्छा लगता है। फ़ोन तो अनेक टाइम गिरता ही रहता है, लेकिन बचा हुआ किस्मत अच्छा है। टेम्पर ग्लास भी लगाया हुआ है, स्क्रैच वैसे होता नहीं है लेकिन गिरने के बाद डर तो रहता ही है ना मन में कि कहीं टूट ना जाए। लगता तो स्टाइल टाइप का है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ गौर नहीं किया है। वो लाइक ये स्टील के जैसा ही होगा या फिर हार्ड प्लास्टिक बोल सकते हैं। कैमरा तो इसका बहुत अच्छा है, देखिए कैमरा देखने में इसका बहुत साफ है, क्लियर है। ये इसका बैक कैमरा है, और फ्रंट का देखें तो और भी अच्छा है इसका। फीचर इसमें है, ये देखिए कॉन्सेंसस शॉट है, एक साथ में फोटो खींचना, नाइट का है, सेल्फी का है। तो नाइट मोड में अगर आप लाइट जला के बैठे हो तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन बैक का नाइट में भी अच्छा है, क्लैरिटी ठीक ही आ रहा है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते लेकिन समझ जाता है कि हम लोग ही है। इसमें नाइट में अगर फोटो खींचे तो मतलब क्लियरिटी ही आता है, मतलब लाइट इसका अच्छा है। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ से इसको कर रहे हैं तो ये देखिए इसका फ्लैश बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वीडियो क्वालिटी सुपर है। जैसे ये कल होली के दिन पर ही बनाया था, तो ये जैसे होली के दिन पर कल बच्चों का बनाया था, इनका वॉल्यूम भी बढ़ जा रहा है। प्रॉब्लम नहीं हुआ तभी तक पास में है, नहीं तो चेंज हो जाता। साउंड सिस्टम ठीक ही ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। ये जैसे इसका ये मैक्सिमम साउंड है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है। इसमें सी टाइप चार्जर है, टाइप सी का है, फर्स्ट टाइम ही लिया था, उस टाइम पे पता भी नहीं होता था ये चार्जर ऐसा होता है, और ये ईयरफोन का हो गया। बॉक्स के साथ इसका ईयरफोन मिला था, चार्जर मिला था, और एक इसके ऊपर का टेम्पर ग्लास मिला था। इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है 653, मतलब अच्छा यूज़ होता है, ज़्यादा हैंग नहीं हो रहा, रैम ज़्यादा होने के कारण हैंग नहीं हो पा रहा। मोस्टली तो व्हाट्सअप में ही काम चल जाता है, हम लोग कभी वर्ड किस पे यूज़ करके देखा नहीं है, PDF वगैरह डाउनलोड की किसी को भेज दिया। इनफील्ड हल्का है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है, मतलब कम पैसे में जितना चाह रहे थे वो मिल गए। देखिए पहले तो थिंकिंग सबका अपना अपना होता है कि उनको क्या पसंद है, लेकिन मेरे को तो ये है कि जितना मैं चाह रहा था कि इसके फीचर्स देख के, मेनली तो रैम को देखते मेरे पास हैंग नहीं हुआ, दूसरा इसका मैं वीडियो वगैरह देखते हो तो क्लियरिटी अच्छा दिखता है और पूरा डिस्प्ले भी आता है, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं वो भी अच्छा आता है, इसलिए मैं तो इसको रखना चाह रहा हूँ, कभी बेचने का मन भी नहीं किया इसको, अभी तक सोचा नहीं है। अगर बाई चांस सोचेगा तो उसके बाद टाइम के हिसाब से सोचा जाएगा कि उस टाइम पे कौन सा मॉडल अच्छा रहा है या रैम किसका ज़्यादा है। हर साल कुछ ना कुछ फीचर नए ही आते हैं, तो पब्लिक में जो सुनने को मिलेगा या फिर हम कुछ यूज़ करके देखेंगे उसके बाद ही बोल पाएंगे। फीचर्स तो यही सोचते हैं कि इसमें थोड़ा सा रैम और ज़्यादा बड़ा होता और फ़ोन का बैटरी वगैरह जो अगर वो खुल के निकल के डल जाता तो और भी ज़्यादा बेटर लगता। देखो मोस्टली तो हम ये बोलेंगे कि जिसने भी मेरे हिसाब में फ़ोन खरीदा होगा वो कभी बेचने का तो सोचेगा नहीं, और बाई चांस का अगर कोई सोच रहा होगा तो कोई ना कोई इसको भी कमी लगाई होगा। मुझे तो कोई कमी लगा नहीं, बस वही बात है ज़्यादा पुराना हो गया तो उसकी वजह से बैटरी थोड़ा सा कम होने लगा।
कलर्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हैंगिंग्स कभी कभार हुआ है, जैसे एक साथ में काफ़ी सारे फोल्डर खोल के बैठ गए तो हैंग हो गए, जब एक साथ ज़्यादा फोल्डर खोल देते।